हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक गॉड फादर में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा लो मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर अभी तक मुझे फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी आईफोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बैटरीज को रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, उसको दोबारा से लाइफ दे सकते हैं। आपको बस थोड़े से सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा काफ़ी हमारे फ़ोन वगैरह डेड हो जाते हैं तो वो ऑन नहीं होते हैं, लेकिन आप शॉप पे जाते हो तो वो 2 मिनट में ऑन हो जाते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगा कैसे आप उसको भी अपने आप घर पे ऑन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास ये बैटरीज हैं काफ़ी सारी, ये आईफोन्स के हैं, ये मेरे पास ये एंड्रॉयड डिवाइस के हैं जो आजकल एक्सटर्नली आने लग गए इंटरनली बैटरी, और ये एक्सटर्नल बैटरीज हैं मेरे पास जो पहले लगती थी डिवाइस में, अब नहीं लगती हैं ज़्यादातर। तो आज मैं इन सबको आपको रिवाइव करके दिखाऊंगा दोबारा से, कैसे इसको मैं रिकवर कर सकता हूँ बैटरी को दोबारा से। ये बैटरी से अभी कोई भी वर्क नहीं कर रही है, तो मैं इन्हीं को आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देख सकते हैं मेरे पास ये बैटरी है, ये बैटरी फुली हुई है दोस्तों। तो मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अभी इसके जैक वगैरह सब डिस्ट्रॉय हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार बैटरी फुली होती है और आपके जैक वगैरह सब क्लियर होते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पर मैं नोज़ल से थोड़ा सा इसमें आपको होल कर देना है। ये देखिए मैंने होल कर दिया, अब मैं इसको कैसे करूँगा, अब मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करूँगा और इसको प्लेन कर दूँगा तो ये बैटरी आपकी ठीक हो चुकी है, अब आप इससे आराम से यूज़ में ले सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसी बैटरी आती है। तो ये तो हो गई हमारी इस आईफोन की बैटरी, इस वाली की। अगर ये एंड्रॉयड के साथ हो तो सेम यही है, आप उसको भी ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये एंड्रॉयड डिवाइसों की है कुछ बैटरीज, स्मार्टफोन्स में आजकल ये बैटरीज ज़्यादा लगती हैं। तो ये वीवो और जिसमें भी हो, आपका वीवो हो, एम आई हो, ओप्पो हो, कोई भी डिवाइस हो, सबके अंदर ऐसी ऐसी बैटरीज आने लग गई हैं। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि ये बूस्ट के लिए आप जैक में जाते हैं और जैक को ही तोड़ देते हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे मैं ओपी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से टेपिंग वगैरह इसकी सब निकाल देता हूँ। तो आपको यहाँ से जैसे ही आप कोई सी बैटरी ले लीजिए, उसके अंदर आपको 2 जैक दिखाई देंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं सिल्वर कलर के आपको 2 जैक दिखाई दे रहे हैं। तो आज इन्हीं से आप बूस्ट कर सकते हैं बैटरी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी, ये मैं मल्टीमीटर से आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को आपको पहले ऑन कर लेना है, आपको इसको 20 वोल्टेज पे सेट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सेट कर लिया है 20 वोल्टेज पे। तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बैटरी 24 बता रहे हैं मेरी, 0.24, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जिससे मेरी बैटरी कभी भी वर्क नहीं कर पाएगी। अगर मैं इसी से फ़ोन चार्जिंग पे लगा के रखूँगा फिर भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें इसको बूस्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बूस्टर है, आप किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं, आपको ये ज़्यादा रेट में नहीं मिलेगा, सब 200-400 रुपये में आपको अच्छा बूस्टर मिल जाएगा, आप कोई सा भी परचेज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं और घर में ही बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी भी ट्रिक है, उसको कैसे बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको एक चार्जर को कट करके, यूएसबी केबल को कट करके, जहाँ पे उसकी माइक्रो यूएसबी कोई भी लगी होती है जिस पर आप फ़ोन में इंसर्ट करते हैं, आप उसको काट के भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको बूस्ट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं बूस्टर पे जैसे ही लगाऊंगा तो ये बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये देख सकते हैं, अभी ये मेरे को लग रहा है कि ये ढंग से नहीं लगी है, तो अभी चेक कर लेता हूँ 2 मिनट इसे। तो ये नहीं लगी है तो मुझे इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब ये लग चुकी है दोस्तों, तो मैं पहले इसको चेक कर देता हूँ। ये इतने बहुत जल्दी हो जाती है दोस्तों ये बूस्ट। तो अभी देखता हूँ कितनी इसकी वोल्टेज पड़ी है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम काफ़ी देर तक लगा रहे हैं, इससे बढ़िया आप थोड़ी देर बाद ही आप चेक कर लीजिए आपकी बैटरी बूस्ट हो भी रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बैटरी बूस्ट हो रही है, पहले 24 पे थी, अब ये 48 पे आ चुकी है। तो ये हो रही है बैटरी बूस्ट। तो ऐसे ही आप पूरा इसको आपको लाना है 3.7 पे वोल्टेज पे,
जो कि आपकी बैटरी को रन अप में ला सकता है, वापस से रिवाइव कर सकता है आपकी बैटरी को। 3.7 ई इसका मैक्स है और मिनिमम है, आप वहीं पे लाइए और अपनी बैटरी को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं, मैंने दोबारा से किया, 95 पे आ चुका है। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता। फिर अब मैं दूसरे पे चल पड़ता हूँ। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आईफोन की बैटरी इसको कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लोग नई बैटरीज ले लेते हैं, वो भी इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा महंगी आती है बैटरी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल बैटरी आपकी ख़राब हो जाती है, तो आप उसी को रिकवर कर सकते हैं अपने घर में। तो यही देख सकते हैं, मैंने जैसा बताया था इसके अंदर भी 2 सिल्वर पॉइंट्स हैं। तो ये बैटरी मेरी पहले से खुली हुई थी, तो मैं आप ही को उसी पे चेक कर रहा था, तो मेरे को लगता है ये फुल चार्ज भी होगी। तो ये देखिए, ये मैं कह रहा था फुल चार्ज है। तो ये 3.8 पे है दोस्तों, आप 3.7 पे भी इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये 3.8 पे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं कि क्यों मैं यूज़ में नहीं कर रहा था, इसके जैक डिस्ट्रॉय थे, तो मैं इसको बाद में सोल्डिंग वगैरह करके दोबारा रीयूज़ कर लूँगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। तो अब ये देख सकते हैं, ये बैटरी बिल्कुल पैक्ड है दोस्तों। ये मैंने काफ़ी दिनों बाद ही यूज़ करी है, तो मैं यूज़ करने जा रहा था तब ये बैटरी वर्क नहीं करी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी टेपिंग वगैरह सब निकाल देता हूँ। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, सीधा इसके जहाँ से ये बैटरी लगती है आप उसी जैक पे आप चेक करने लग जाते हैं मल्टीमीटर से, जिसकी इसकी पिंस भी ब्रोकन हो जाती है, जिसको आप ना बूस्ट कर सकते हो ना दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 सिल्वर पॉइंट्स आ चुके हैं, तो हम इसी को यूज़ करना है दोबारा से। तो मैं एक बार ढंग से इसकी टेपिंग हटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया है, अब मैं मल्टीमीटर से पहले आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, अब ये माइनस में आ रही है, अभी बैटरी मैंने लग से पॉइंट पे नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14, 15 बस इतना ही दिखा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। तो इसको भी हमें बूस्ट करना पड़ेगा, तो चलिए बूस्ट करते हैं इसको। तो मैं इसको पॉइंट्स पे लगा देता हूँ, जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये बैटरी देख सकते हैं बिल्कुल लाइट डिम हो जाएगी, देख सकते हैं। अगर आपको दिख रही होगी हल्की सी विजिबल होगी आपको बैटरी लाइट वहाँ पे दिखाई देगी, देख सकते हैं। तो अब मैं इसको एक बार दोबारा चेंज करके देखता हूँ। तो ये मेरे एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, अब लगे हैं मेरे एग्जैक्ट पॉइंट्स। तो जल्दी से मैं इसको देख सकते हैं, मैं कर लेता हूँ इसको अच्छी तरह से बूस्ट। मैं आपको इसको 3.7 पे लाकर दिखा देता हूँ पूरी बैटरी। तो अब मैं दोबारा से इसको, अब मैंने, मेरे को लगता है मेरी बैटरी पूरी बूस्ट हो चुकी है, तो अब मीटर से मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ इसको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, 3.7 पे आ चुकी है मेरी बैटरी बिल्कुल ठीक तरीके से। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बैटरी दोबारा रीयूज़ कर सकता हूँ, तो अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब आप भी ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों, और ये आपकी ओरिजिनल बैटरी हो या कोई भी बैटरी हो, आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं अगर वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसको मैंने पैक कर दिया वापस, अब मैं इसको रख देता हूँ। अब आपको ले चलता हूँ मैं एक्सटर्नल बैटरीज के पास। अब उनको कैसे आप बूस्ट करेंगे, वो भी सेम मेथड है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ फिर भी। ये देख सकते हैं, फिर भी मैं एप्पल की काफ़ी सारी बैटरीज हैं, आप कहेंगे आपने इनको क्यों नहीं करा, तो इनमें काफ़ी दिक्कत है, इनके जैक वगैरह भी ब्रोकन है काफ़ी बैटरीज के। ये देख सकते हैं इसका जैक ही नहीं है, तो मैं इसको वैसे ही यूज़ नहीं कर रहा था। अगर आपका जैक वगैरह ब्रोकन हो जाए तो आप न्यू बैटरी ही ज़्यादा परचेज करने की सोचिए। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैसे आप अपने आईफोन की बैटरी अपने आप ही वो कर सकते हैं चेंज।
आपको चेक करके दिखाई थी मेरी फुल चार्ज थी बैटरी। तो अब मैं आपको एक्सटर्नल बैटरीज दिखा देता हूँ जो पहले लगती थी आपके डिवाइस में कि कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप उनको कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी भी कोई ऐसा फ़ोन है तो देख सकते हैं मेरे पास ये कितनी सारी बैटरीज है। तो आपको मैं चेक करा देता हूँ कोई भी एक बैटरी पहले, तो ये वाली मैं देखता हूँ, मैं इसी से चेक करा देता हूँ कोई सी एक बैटरी। ये देख सकते हैं मेरे पास MI की भी है, LG की भी है, सैमसंग की भी है, कोई सी बैटरी हो दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं कि अलग अलग कंपनी है तो उसकी कैसे होगी, सेम है सबके साथ। तो ये देख, अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ, पहले आपको मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस जीरो वोल्टेज बता रहा है, मैं जैसे अभी अब दोबारा देखता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं अभी भी ये जीरो ही बता रहा है बिल्कुल वोल्टेज। तो इसमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है बैटरी इसके अंदर। तो हम इसको दोबारा देखते हैं ये बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो अब ये हो चुकी होगी बूस्ट, इतने में थोड़ी देर में हो जाती है बूस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अब देखा तो मैं आपको देख सकते हैं ये बूस्ट होने के लिए तैयार है, 62 पे आ चुकी है 0 पॉइंट। तो चलिए मैं इसको पूरी बूस्ट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही आप कर सकते हैं इसको बूस्ट। अब मैं दूसरी बैटरी दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं बस LG की बैटरी है। तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर पूरी वोल्टेज बता रहा है दोस्तों, ये 5 पॉइंट तक वोल्टेज है इसकी, कि मुझे इसको बूस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बैटरी को बार बार बूस्ट भी करते हैं तो बैटरी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं, उसको बैकअप नहीं बना पाती वो बैटरी, तो बैटरी ख़राब भी होती है इसको, इसलिए बार बार मत रिपीट कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय दोस्तों।